तो यारो कैसे हो आप लोग, सब लोग मज़े में ना। देखो भाई, जिस सीरीज़ का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो सीरीज़ आ गई है और मैंने सीरीज़ देख ली है। लेकिन ये सीरीज़ आप लोग के लिए देखने लायक है या नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। हे गाइस, हाय, दिस इज शिव एंड स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव टॉकीज पे। तो भाई लोग, मनोज वाजपेयी की जो सीजन 1 सीरीज आई थी द फैमिली मैन का, वो तो काफ़ी अच्छा रही थी और काफ़ी सारे सवाल भी हमारे लिए छोड़ के गई थी। लेकिन इसका सीजन 2 वहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। फ्लैशबैक में चीज़ें दिखाई जाती है और कहीं ना कहीं कहानी को कनेक्ट करा जाता है, और सीज़न 2 जो है वो सीज़न 1 के साथ कनेक्टेड है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहानी जो है वो 2 साल बाद शुरू की जाती है। श्रीकांत यानी कि मनोज वाजपेयी जो है वो अब टास्क फोर्स छोड़ चुके हैं और अपने फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक नॉर्मल सा जॉब भी उन्होंने ढूंढ लिया है और पूरा टाइम जो है वो अपने फैमिली को देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि ISI और रेवल ग्रुप जो है वो एक साथ जुड़ चुके हैं, एक हो चुके हैं और कुछ बड़ा बवाल करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन क्या अब श्रीकांत यानी कि मनोज वाजपेयी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वापस आएंगे, वापस टास्क ज्वाइन करेंगे, या फिर अपनी नॉर्मल सी लाइफ जैसे गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारेंगे? इसके लिए तो भाई आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज में कुल 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड जो है वो 35 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में है। सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 जो है वो थोड़ा ज्यादा ही इंटेंस और थोड़ा ज्यादा ही डार्क दिखाने की कोशिश की गई है, जो आप लोग को वाकई में देखने में काफी मजा आएगा। बीच में सीरीज का पेस जो है वो थोड़ा स्लो भी होगा, क्योंकि ये स्टार्ट ही बहुत स्लो तरीके से होती है और फिर धीरे 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 करके जो है ये स्पीड पकड़ती है। तो शायद कहीं आपको थोड़ा बोर लगे, लेकिन ओवरऑल सीरीज जो है वो बहुत बढ़िया है। बात करें अगर एक्टर्स की, तो भाई सीजन 1 में जो था कुछ ही कैरेक्टर्स ऐसे थे, कुछ ही एक्टर्स ऐसे थे जिनके इर्द गिर्द ही जो थी पूरी सीरीज घूम रही थी। लेकिन सीजन 2 में हर एक पर्टिकुलर एक्टर के पीछे जो मेकर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया है। खास करके मनोज वाजपेयी की एक्टिंग के तो क्या ही कहने हैं भाई। सीजन 1 में तो उन्होंने पूरा तरीके से आग लगा ही दी थी और सीजन 2 में भी उन्होंने बवाल कर दिया। सीरीज के बीच के एपिसोड में एक सीन आता है जहाँ पे वो रोते हैं, और भाई जिस तरीके से वो रोते हैं ना, एक पल के लिए तो लगेगा कि हाँ वो रियल में रो रहे हैं। क्या एक्टिंग की यार, एकदम लाजवाब। लेकिन जो सरप्राइज पैकेज रहा ना मेरे लिए, वो थी भाई समांथा। समांथा की एक्टिंग इतनी अच्छी हो सकती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, मेरे लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन उन्होंने वाकई में तारीफ के लायक काम किया है बॉस। बात करें अगर सीरीज की सिनेमेटोग्राफी की, तो यार इसका सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी डिसेंट था, काफ़ी अच्छा था। बस कुछ कुछ जगहों पर ऐसा लगा यार कि कुछ CGI का प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है दिखने में, बट ओवरऑल जो था वो अच्छा ही लगा। सीरीज का जो BGM था वो भी काफ़ी अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो भी काफ़ी इंटेंस था और एक अच्छा हाइप क्रिएट कर रहा था। कुछ कुछ सीन्स में जो BGM था वो वाकई में बहुत सूट कर रहा था। लेकिन इसके अलावा जो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो ये है कि ये सीरीज़ हिंदी में तो है, लेकिन लगभग इसका 40% आपको तमिल में ही मिलेगा। तो बेटर होगा कि आप इसका इंग्लिश सबटाइटल जो है वो ऑन करके सीरीज़ को देखें। गाली गलौज के बारे में क्या बोलूँ यार, वेब सीरीज़ है तो गाली गलौज होंगी ही। और सीजन 1 में भी हमने देखा था कि काफ़ी सारे गाली गलौज थे, सीजन 2 में भी काफ़ी सारे गाली गलौज हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडल्ट्स एंड न्यूड सीन्स भी हैं। तो बेटर होगा कि सीरीज को जो है वो आप अकेले में देखो, वरना जूता पड़ना बिल्कुल तय है। सीरीज के दर्शन जो है वो आपका अमेजन प्राइम पे हो जाएंगे। और मेरी तरफ से भाई सीरीज को 4 out of 5 stars। बाकी आपका क्या टेक है आप कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे अगर नए हो भाई तो सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ नोटिफिकेशन वाला, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।